आपको तो एससी एक्ट लग रही। मैंने कहा एससी एक्ट, मैं तो मैंने कौन सा एससी एक्ट का काम करा। कह रहे एससी एक्ट लग रही, इसमें देशराज लगवा रहा है और इसमें गवाह बन रहे हैं राजबहादुर नकली राम का लड़का और एक जितेंद्र सैनी, वो काणा का इसके साथ में रहता है, इसके प्रतिनिधि का सतीश शर्मा का, दोनों गवाह हैं, जबकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। ये रंजीत सन मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगवा रहे। और जब एससी एक्ट में मुझे पता लगा तो मैंने फिर अपनी कार्रवाई करी। इसी तरह मैं अगले दिन 151 में, या तो वह एससी एक्ट लग रही थी, फिर वो 151 में मैं बाहर आया, जमानत कराई। और एससी एक्ट अभी फिलहाल उसमें जांच वाँच में डाल रखी हो, क्या होगा उसका मुझे नहीं पता इसके संबंध में। तो इस तरह से मेरा उत्पीड़न करता आ रहा। और यही देशराज करणवाल जिसके एससी एक्ट किसके जरिए लगवाई जा रही थी, अपने द्वारा ही, अपने द्वारा या अपनी पत्नी के द्वारा अगर लगवाई होगी उसका मुझे नहीं पता जी, ना मैंने वो देखा खड़गा ना मैं कोतवाली गया उसके बाद। तो इसके बाद में अभी ये जो देशराज करणवाल कहता है कि ये सहारनपुर का, यहाँ का निवासी, यहाँ का मूल निवासी नहीं है, मेरे पास पूरे प्रमाण पत्र हैं, ये सहारनपुर का निवासी है 1994 से और अब तक फिलहाल तक राशन का कोटा चल रहा है सरकारी सस्ते, ये आपके पति आपका टिकट भी मांग रहे हैं सांसद का। जब आप शिक्षक हो तो फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं, या आप राजनीति उसमें बैठकों में भाग ले रहे हैं। स्कूल के समय में, ये स्कूल खुलने का समय है, मोदी जी ने जब एक अभियान चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियों को वहाँ नहीं पढ़ाएगी शिक्षक या शिक्षिका, आपको जान का खतरा है। मुझे झबरेटा विधायक देशराज करणवाल से अपनी जान का खतरा है, उसने मेरे ऊपर कई मुकदमे लगवाए अपने साथियों के द्वारा, और एससी एक्ट 302 और 307 और ये महिलाओं के साथ छेड़खानी का दुनिया भर के मुकदमे लगाए, जबकि मैं एक साफ सुथरी छवि का आदमी हूँ, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का वो नहीं है, ना मैं किसी राजनीति से जुड़ा हुआ, मैं केवल अपना संगठन चला रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन का। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड का जो अधिकार है उत्तराखंड वासियों को मिलना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के आदमी आज हमारा उत्तराखंड के लोगों का हक छीन रहे, आरक्षण का हो चाहे अपना वैसा हो राजनीति का। हमारे यहाँ एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान बोलने चालने वाले लोग हैं, समस्या उठाने वाले लोग हैं, जो ये राजनीति कर सकते हैं, और ये फर्जी कागजों पर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर इनकी पत्नी शिक्षिका के नौकरी कर रही है, और जो स्कूल में भी नहीं जा रही, 3 साल लगातार हो गए जो स्कूल में नहीं पढ़ा रही, केवल अपने पति के साथ में राजनीति कर रही है। मैं तो ये सरकार से मांग कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ और इनके फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच कराओ और इनके खिलाफ कार्रवाई करो। क्या काम करते थे इससे पहले ये देशराज करणवाल, जो भी आपने राशन वाशन